नमस्कार दिनर बड़ खबर को स्वागत करुछ मु स्मृति लग्ना प्रथमे हेडलाइंस हेडलाइंस इज ब्रॉट यू बाय खाना कोई सा भी हो इट टेस्ट बेस्ट ओनली विद बेस्ट ड्रॉप कुकिंग ऑयल बी श्योर इट्स प्योर। अमेरिकार उपराष्ट्रपति कमला हारिस सहित कथा प्रधानमंत्री मोदी भारत को कोविड टीका जोगाइ देबापई अमेरिका सहयोग हाथ बढ़ाइथिबार धन्यवाद जणाइछन्ति प्रधानमंत्री। कोविड परवर्ती परिस्थिति रे विश्व स्वास्थ्य तथा आर्थिक पुनरुत्थान पई गुरुत्व। कोरोना मृत्यु संख्या रे नाही ब्रेक, राज्य में आज सर्वकालीन 42 आक्रांत, मृत्यु रेकर्ड 8,839, कोरोना पॉजिटिव, खोर्धा जिलार सर्वाधिक 1235। खूब शीघ्र देश पाइबा को जाउछि द्वितीय स्वदेशी टीका, हैदराबाद कंपनी बायोलॉजिकल ई सह चुक्ति कले केंद्र सरकार। 30 कोटी टीका पाई अग्रिम देबे, 1500 कोटी आसंता किछि मास रे उपलब्ध हेबो टीका। आयोग रिपोर्ट, 21 वर्ष विकास सामना को आसला असल सत, समालोचित है विकास धारा, विकास में तलआड़ पंचम स्थान में राज्य, पिला स्वास्थ्य नारी सुरक्षा सबुति पछरे ओडिशा। विकास भात हांडी ना भोकर भूगोल, नीति आयोग रिपोर्ट को प्रमाणित करुछि राज्यर विभिन्न स्थानर दृश्य। 21 वर्ष शासन में खाद्य सुरक्षार फिटिला गुमर, कौन हेबो प्लस टू परीक्षार्थी भाग्य, सीबीएसई द्वादश परीक्षा बातिल पर एवं राज्य सरकार को उपरे नजर, परीक्षा नहले कौन रही विकल्प, केमिति बाहर फलाफल, होइछि इंटरनल परीक्षा आशा आशंकर छात्र छात्री अभिभावक। वर्चुअल आलोचन हठात पीएम को सरप्राइज एंट्री, उभय छात्र और अभिभावक मान परीक्षा और क्यारियर को नहीं कले आलोचना, पुणि प्रमाणित है पिला क्यारियर को नहीं चिंतित प्रधानमंत्री। ग्लोबल टेंडर नाटक रे सामना को आसला नुआ तथ्य, टीका कमिटी आवाहक कहले खोलुछि गुमर, कहू कहू कहीदे ग्लोबल टेंडर रे नथिला कोनोसी ग्यारंटी, सरकार को ऊपर बरसिले विरोधी। कोरोनार करुण कहानी, अनाथ पलटिंट अनेक शिशु, जाउछि बंधु परिजन को जीवन, जातीय शिशु सुरक्षा संरक्षण आयोग सुप्रीम कोर्ट को देले तथ्य, महामारी अनाथ होती 9,340 शिशु, ओडिशार 24। संपूर्ण खबर को आसीबा, अमेरिकार उपराष्ट्रपति कमला हारिस सहित कथा होती प्रधानमंत्री, भारत को कोविड महामारी सहित लड़ाई टीका जोगाई देबा अमेरिका सहयोग हाथ बढ़ाई थिबारु धन्यवाद जणाइछन्ति प्रधानमंत्री मोदी। कमला हारिस सहित आलोचना संपर्क में से ट्वीट कर जणाइछन्ति तेबे भारत को सहयोग हाथ बढ़ाई थिबारु प्रशंसा करिछन्ति। मोदी कहिछन्ति अमेरिकार उपराष्ट्रपति सहित वैक्सीन सहयोग सहित कोविड परवर्ती स्थिति उपर आलोचना कर विश्वर स्वार्थ एवं आर्थिक पुनरुत्थान पाई उभय देश मिलित भाव में काम करने आशा व्यक्त करिछन्ति। भारत विदेश मंत्री एस जयशंकर अमेरिका जाई से देशरु कोविड प्रतिषेधक टीका प्रस्तुत पाई आवश्यक कंचामल आनिबार व्यवस्था करिछन्ति। कोविड रो प्रथम पर्याय रे भारत अमेरिकार खराब समय रे पर्याप्त परिमाण रे हाइड्रोक्सिन क्लोरोक्विन औषध जोगाई देथिबारु बाइडेन प्रशासन भारत को विपद रो बंधु बोली विवेचना करिछन्ति। नीति आयोग का एसडीजी इंडेक्स खोली देछि 21 वर्ष शासन रो असल गुमर, आज प्रकाशित पाइथिबा रिपोर्ट ओडिशा सब इंडेक्स रो एवरेज रे तळ आडु रहिछि पंचम रे। अनेक इंडेक्स कथा जदि कहबा ओडिशार प्रदर्शन अति नैराश्यजनक रहिछि, पिलांका स्वास्थ्य नारी सुरक्षा सब दिगरे पछरे रहिछि ओडिशा। 21 वर्ष रे हिसाब निकास रे नीति आयोग रो रिपोर्ट रहिछि चिंताजनक। फेल मारिला ओडिशा, नीति आयोग रो एसडीजी रिपोर्ट रे 21 नंबर रे ओडिशा। राज्यर 32.59% लोक दारिद्र्य सीमारेखा तले, 29.2% पिला ओजन कम, महिला विरोध में निर्यातनार भी आगरे ओडिशा। पदारे पड़ा ओडिशा रे विकास असल चित्र आज प्रकाश पाई नीति आयोग एसडीजी इंडेक्स रिपोर्ट रे विभिन्न गोल रे पछरे ओडिशा। प्राय 6 इंडेक्स रे अन्य राज्य तुलन में ओडिशार प्रदर्शन नैराश्यजनक, सब इंडेक्स रो हाराहारी देखिले ओडिशा मोट 61 पॉइंट रही 21तम स्थान में, 75 पॉइंट टप्रे रही केरल। दारिद्र्य इंडेक्स तलआड़ तृतीय स्थान में रही ओडिशा,
मोट अंक रही 41। दारिद्र्य सीमारेखा तले लोकंक संख्या होची 32.59%। आंध्र हरियाणा पंजाब रे एही हार एक अंक रे सीमित। राज्य रे जीडीपी 5.49%, बेकारी हार रही 7.6%। सेहिपरि आर्थिक विकास क्षेत्र रे भी ओडिशा फेल मारी एथिरे ओडिशा तळवाडु द्वितीय स्थान रे रहितबा नै रिपोर्ट रे दर्शाजाइछि। अन्य दुईटी राज्य होउछि नागालैंड और मणिपुर। एपरिक ओडिशा बिहार ठारु भी खराब प्रदर्शन करिछि। ओडिशार सूचकांक 50 तले रहिछि। अन्य पक्षरे खाद्याभाव जोगु केही भोकिला रहिबे नै रो नारा विफल होइछि सरकारकर। एही क्षेत्र रे खराब प्रदर्शन करितबा 11टी राज्य मध्यरे ओडिशा रहिछि। 42 अंक सह ओडिशा तळवाडु सप्तम स्थान रे रहिछि। राज्यर 29.2% पिलांक ओजन कम। सेहिभळी बयस अनुसारे उच्चता कम पिलांक संख्या 29.1%। 15-49 वर्ष मध्यरे थिबा गर्भवती महिलांक भितरु ओडिशार 47.6% रक्तहीनतार शिकार। महिलांकु निर्यातना क्षेत्ररे भी आगरे ओडिशा। राज्यरे प्रति 1,00,000 महिलारे 103 जण निर्यातनार शिकार होउछन्ति। लिंगगत समानता क्षेत्ररे 14 राज्यर प्रदर्शन खराब। 46 अंक सह ओडिशा तळवाडु 11तम स्थान रही। विधानसभा को निर्वाचित होता महिला संख्या मात्र 8.9%। उच्चमानर शिक्षा देवारे भी ओडिशा फेल मारी। नीति आयोग रिपोर्ट अनुजाई एक क्षेत्र में 45 अंक सह तळवाडु षष्ठ स्थान रही। एपरिकी झारखंड मेघालय भली राज्य ओडिशा टू आगे रही। केरल 80 अंक सह तालिकार शीर्ष रही। उद्योग शिल्प उन्नतमानर भित्तिभूमि निर्माण क्षेत्र में मध्य ओडिशा भल प्रदर्शन करिपारिना। एक श्रेणी में 14 राज्यर प्रदर्शन बहुत खराब रही रिपोर्ट में दर्शाई। 46 अंक सह ओडिशा तळवाडु 14तम स्थान रही। केरल सिक्किम भली राज्य तळकु रही ओडिशा। सेपटे 72 अंक सह गुजरात प्रथम स्थान रही। केन्द्रशासित अंचल मानक दिल्ली 64 अंक सह प्रथम स्थान अधिकार कर जमापड़। सेपटे प्रकाश पाइथिबा नीति आयोग रिपोर्ट कहुछि क्षुधा मुक्त नुहे ओडिशा। क्षुधा इंडेक्स रे तळवाडु सप्तम राज्य। सेपटे आज आसीथिबा किछि दृश्य एवं पूर्वरो आसीथिबा दृश्य नीति आयोग रिपोर्ट को प्रमाणित करुछि। भातो हांडि ना भोकर भूगोल नीति आयोग रिपोर्ट को प्रमाणित करुछे दृश्य। पेटर ज्वाला एते जे अईंठा खाउछन्ति लोके। विभिन्न समय रे दृश्य विचलित कला भरी। उपकूल उपांत पूर्व पश्चिम उत्तर आउ दक्षिण विभिन्न समय रे आसीछे दृश्य। भोकरे आउटु पाउटु एमानंक पेट को दरकार दाना आउ सेमाने जा खाउछन्ति ता विकासर असल चित्र को सामना को आनीछे। खाद्यर अभाव जोगु केही भोकिला रहिबे नाही। राज्य सरकार कथा केवल घोषणा रही रही जाइछे। फेल मारी जीरो हंगर लक्ष्य। खाद्य सुरक्षा को सुरक्षित करी सरकार जहाँकि नीति आयोग रिपोर्ट रु स्पष्ट प्रमाणित हो। क्षुधा क्षेत्र में खराब प्रदर्शन करुवा 11 राज्य मध्य ओडिशा रही। 42 अंक सह ओडिशा तळवाडु सप्तम स्थान रही। जातीय खाद्य सुरक्षा आईन में अनेक राज्य में 100% हिताधिकारी सामिल होती है। ओडिशा रे ए संख्या हो 94.98%। राज्यर 12-19 वर्षर पिलांक भितरु 29.5% पिला रक्तहीनतार शिकार होइछन्ति। 21 वर्ष शासन रे ये होउछि राज्य सरकार को उपलब्धि। भोकर भूगोलर चित्र बदलनी। खाइबा पई एबे भी संघर्ष। समस्तंकु खाद्य ये केवल स्लोगान रे रहि जाइछि। नीति आयोग रिपोर्ट आउ ग्राउंड रा विजुअल याही प्रमाणित करछि। ब्युरो रिपोर्ट अर्गस। समय छोट ब्रेक रो ब्रेक परे फेरबा खबर को। दिनक दिन करुण हो पड़ुछि कोरोनार परिस्थिति। कोरोना रे के निजो बंधु परिजन को हराउछि तो आउ के हराउछि आत्मीयों को। एमिति अनेक परिवार को मूलपोच कर देछि कोरोनार द्वितीय लहर। ए महामारी रे अनेक शिशु बापा मा छेउंड होइछन्ति। सेमिति दुई अभागा शिशु हेउछन्ति झारसुगुड़ा ब्रजराजनगर ओपीएम कॉलोनी रो जाला भाई भौनी। तेबे जीवन युद्ध रे एका होइ जाइथिबा भाई भौनी को उद्धार करिछि चाइल्ड हेल्पलाइन। आसंत देखिबा मोर रिपोर्ट।
ଛୁଆ ମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦେଖିନା ସମସ୍ତଙ୍କ ମନଟା ଟିକେ ଦୁଃଖ ଅଛି। ଏଇ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆସିବା, ସମସ୍ତେ ଏଇଟା ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ମା ବାପା ନା ଟିକେ ଭଲସେ ପଢ଼ାଇବ, ଖାନା ପିନା ସେ ଯେମିତି ମା ବୁଆକୁ ଆଉ ୟାଦ ନି କରିବେ। ଚାଇଲ୍ଡ ଲାଇନ୍ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଜ୍ୱାଳା ଭାଇ ଭଉଣୀ ଅଶ୍ରୁଳ ଆଖିରେ ବିଦାୟ ଦେଉଛନ୍ତି କଲୋନୀବାସୀ। କିଏ କହୁଛି ବାବୁରେ ଦୁଷ୍ଟ ହେବୁନି, ତ ଆଉ କିଏ କହୁଛି ଭଲରେ ପାଠ ପଢ଼ି ବଡ଼ ମଣିଷ ହେବୁ। ଏମିତି ନାନା ନୀତିବାଣୀ ଦେଇ ଦୁଇ ଶିଶୁଙ୍କୁ ଆଶ୍ରମକୁ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବ୍ରଜରାଜନଗର ଓପିଏମ୍ କଲୋନୀର। କିଛି ଦିନ ତଳେ ଦୁଇ ଶିଶୁଙ୍କ ମା କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ, ହେଲେ ବିଧିର ବିଧାନ କିଛି ଅଲଗା ଥିଲା। ଗତ 23 ତାରିଖ ଦିନ ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧରେ ହାରିଯାଇଥିଲେ ମହିଳା ଜଣକ। ଏହା ପରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଦୁଇ ଶିଶୁଙ୍କ ଦୁଃଖ। ପିତାମାତାଙ୍କୁ ହରାଇ ଅନାଥ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଦୁଇ ଜଣ ଶିଶୁ। କରୋନା ସମୟ ହୋଇଥିବାରୁ ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀ ମଧ୍ୟ ସହାୟତାର ବିଶେଷ ହାତ ବଢ଼ାଇ ପାରିନଥିଲେ, ଫଳରେ ଭାଗ୍ୟକୁ ଆଦରି ଓପିଏମ୍ କଲୋନୀର B91 କ୍ୱାର୍ଟରରେ ପଡ଼ି ରହିଥିଲେ ଶିଶୁ ଦୁଇଜଣ। ତେବେ ଏନେଇ କଲୋନୀ ବାସିନ୍ଦା ଚାଇଲ୍ଡ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍‌କୁ ଜଣାଇବା ପରେ ଚାଇଲ୍ଡ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ଜାଆଁଳା ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି। ଛୁଆର ମା ହେଲାନ ବିଗତ 12 ଦିନ 13 ଦିନ ହେଇଗଲାନ, ଡେଥ୍ ହେଇଗଲାନ। ଛୁଆମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଥିଲେ, ତାର ବାପା 2 ବର୍ଷ ହେଲାନ ଡେଥ୍ ହେଇଯାଇଛେ। ତାର ମାନେ କେହି ନାଇଁନ, ଏଇନ ଆମ ଆସପଡ଼ୋଶୀ ସମସ୍ତେ ତାକେ ଦେଖଭାଲ କରୁଥିଲୁ, ଖାଇବାକେ ଦେଉଥିଲୁ। କାଲି ମାନେ ବହୁତ ହି ପରିସ୍ଥିତି ବହୁତ ଖରାପ ହେଇଯିବାରୁ ରାତି ସାରା ଲାଇଟ୍ ନି ଥାଇ ଛୁଆମାନେ ବହୁତ ଅନ୍ଧାରେ ଥିଲେ। ଆଉ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମର ଏଡିଏମ୍ କେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ସରକାର ତରଫରୁ ଯାହା ବି ସୁବିଧା ମିଳୁଛେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ କେନ୍ତା ମିଳିପାରବା ସେଟା ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, କ'ଣ କରୁ, ସମସ୍ତେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ରହିକିରି ଏଠି କ'ଣ କରିବାକୁ। ମୁଁ ବି ଏପଟେ ଡେଲି ଯାଏ, ସେ ଛୁଆମାନେ ବି ଆଣ୍ଟି ଯାଉଛ ସ୍କୁଲ ବି ଯାଆନ୍ତି ସିଏ, ମୁଁ ବି ସ୍କୁଲରେ ଏଡିଏମ୍ କାମ କରେ, ଚକଲା ହୁଅନ୍ତି ବୁଝାଏ। ବଞ୍ଚିଥିଲେ ବେଳେ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାଇଁ ହେଉଥାଏ, କେନ୍ ବି କାମ କରିକିନା ସେ ପୁଛୁଥିଲେ। ଇଏ ଯେତେବେଳେ ମରିଗଲେ ଛୁଆମାନେ ଖାଇବା ପିଇବା କିଛି ନିପାରନା କହୁଛୁ। ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ତମ ଭରସାରେ ଛାଡ଼ିଲୁ, ତୁମର ଦୟାରୁ ତାକୁ ଟିକେ ଭଲସେ ଦେଖାଶୁଣା ସବୁ ଠିକ କରିବ। ଜାତୀୟ ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ସଂରକ୍ଷଣ ଆୟୋଗ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ ଦେଇଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ 9,346 ଜଣ ଶିଶୁ କରୋନା ମହାମାରୀରେ ଅନାଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ମଧ୍ୟରୁ 1,742 ଜଣ ଉଭୟ ବାପା ଓ ମାଙ୍କୁ ହରାଇଥିବା ବେଳେ 7,464 ଜଣ ବାପା କିମ୍ବା ମାଙ୍କୁ ହରାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ସେ ମଧ୍ୟରୁ ଓଡ଼ିଶାର 24 ଜଣ ଶିଶୁ ଅଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା 24ରେ ସୀମିତ କି? କାରଣ ଏହି ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ଭଳି ଅନେକ ଶିଶୁ ଏହି ମହାମାରୀରେ ଅନାଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ସେମାନଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଗଲା କୁଆଡ଼େ? ଆମର ଚାଇଲ୍ଡଲାଇନ୍ ଟିମ୍ ଯାଇ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲା, ଆଉ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲା ପରେ ଆମେ ଥାନାରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲୁ। ତାପରେ ଆମର ଶିଶୁମାନଙ୍କର କୋଭିଡ୍ ଟେଷ୍ଟ କରାଇଥିଲୁ, ଆଉ ଖୁସି କଥା ବି ଶିଶୁମାନଙ୍କର ଦ୍ୱୟର କୋଭିଡ୍ ନେଗେଟିଭ୍ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଥିଲା। ଶିଶୁ ମଙ୍ଗଳ କମିଟିର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଆମର ଯେଉଁ ମୁକ୍ତାଶ୍ରୟ ଅଛି ସେଠାରେ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ରଖିବାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଆମେ ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମୟିକ ଭାବରେ ଆମର ଯେଉଁ ଓପନ୍ ସେଲ୍ଟର ଅଛି ପିଲାଙ୍କୁ ସେଠି ଥଇଥାନ କରିଛୁ, ଏବଂ ସରକାର, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏଭଳି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିଛନ୍ତି, କ୍ଲିୟର କଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ପିଲାମାନଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସହାୟତାରେ ଶିଶୁ ମଙ୍ଗଳ ସମିତି ତାର ତଦାରଖରେ ରଖିବ, ପିଲାମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଯାହା ବି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଶିଶୁ ମଙ୍ଗଳ ସମିତି ତା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବ। କରୋନା ଯୋଗୁଁ ଦେଶରେ ବହୁ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଏହି ମହାମାରୀରେ ହଜାର ହଜାର ଶିଶୁ ନିଜ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ହରାଇ ଅନାଥ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏହି ବିପଦ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସହାୟତା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାରିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ମହିଳା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦବଙ୍ଗିରି। ରାସ୍ତାକଡ଼ରେ ଫଳ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ଜଣେ ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ଉପରେ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଦବଙ୍ଗିରି। ଏ ମହିଳା ଅଧିକାରୀ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାର ଯୋଗିତା ତିର୍କି। କୋଭିଡ୍ ଡ୍ୟୁଟିରେ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବା ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଅମାନିଆଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ନୁହେଁ, ବରଂ ରାସ୍ତାକଡ଼ରେ ଫଳ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ଜଣେ ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ଉପରେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ନିଜର ଦବଙ୍ଗିରି। ଘଟଣାଟି କିଛି ଏମିତି ଥିଲା, କୋଭିଡ୍ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ସମୟରେ 11ଟା ପରେ ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ ହେବା ପରେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଜଣେ ଫଳ ବିକାଳି ବସିଥିଲେ। ଏହାକୁ ଦେଖି ଚିହିଁକି ଉଠିଥିଲେ ମ୍ୟାଡାମ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍। ନିଜ ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ, ଗାଡ଼ିରେ ରଖିଥିବା ଠେଙ୍ଗା ବାହାର କଲେ, ନିଜ ହାତରେ ଧରି ରାସ୍ତା ପାର କରି ଫଳ ବିକାଳି ବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ ସିଧା ମାଡ଼ ମାରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ।
आउ किछि गरीब निरीहंक पिठिरे बाजिथिला मैडमकर लाठी। भिजुआल स्पष्ट भावे देखिबा को मिलुछि जे वृद्ध जनक निजर दोकान बंद करबा को जाउछन्ती एवं फळगुडिक पालरे घोडाउछन्ती। एतिक बेले ए दृश्य सामना को आसीछि जहाकु कड़ा भाषा रे निंदा करा जाउछि। देखिबा आउ किछि खबर किंतु आउ एक ब्रेक परे। कोरोना टीकाकरण भितरे आउ गोटिए खुशी खबर सामना को आसीछि। खूब शीघ्र देश पाइबा को जाउछि आउ गोटिए मेड इन इंडिया वैक्सीन। 30 कोटी डोज कोरोना टीका पई हैदराबाद स्थित टीका निर्माता कंपनी बायोलॉजिकल ई सहित डील करिछंती केंद्र सरकार। एथिपई अग्रिम आकार रे देबे 1500 कोटी टंका। ए वैक्सीन अगस्ट डिसेंबर भितरे बायोलॉजिकल ई द्वारा प्रस्तुत करी संरक्षित रखा जिवो। प्रथम एवं द्वितीय पर्याय टीका ट्रायल रु सुफल मिलछि। एहा परे तृतीय पर्याय परीक्षण जारी रखिछि बायोलॉजिकल ई। आगामी किछि मास भितरे टीका उपलब्ध हेबा नै आशा करा जाउछि। देशरे लगातार भाबरे कमुछि आक्रांतक संख्या। गत 7 दिन धरि क्रमागत भाबरे 1.5 लाख तळे रहउछि दैनिक संक्रमण। गत 24 घंटा रे 1,34,154 जन कोरोना आक्रांत चिन्हट। सेपटे 2,11,419 जन कोरोनारु सुस्थ होइछन्ति। गत 21 दिन धरि देशरे चिन्हट होउथिबा आक्रांतक संख्या ठारु आरोग्यक संख्या रहउछि अधिक, जहा अस्वस्थ करुछि। एथिसहित आरोग्य हार रे मध्य क्रमागत वृद्धि देखिबा को मिलछि। वर्तमान देशरे आरोग्य हार 92.79%। दैनिक पॉजिटिविटी रेट प्रतिदिन तळकु खसी 6.21% रे पहुंचिछि। गत 10 दिन भितरे पॉजिटिविटी हार 10% तळे रहितबा जणा पडछि। देशर आरोग्यक संख्या वृद्धि एवं पॉजिटिविटी हार कमिबा फळरे एक्टिव केस लोड मध्य गत 3 दिन धरि 2,000,000 तळकु रहउछि। विश्व साइकिल दिवस। साइकिल व्यवहार को बहुल भाव में बढ़ावा पई जून 3 तारीख को विश्व साइकिल दिवस भाव में पालन करा जाए। एबे किंतु साइकिल व्यवहार खूब कमी सेपटे 2018 राजधानी आरंभ होता मो साइकिल योजना एवं बाटपणा होता देखा। आज विश्व साइकिल दिवस परिवेश सुरक्षा सह देह को फिट रखा और पेट्रोल बचाई लक्ष्य साइकिल व्यवहार हुए। हेले एबे साइकिल चलाइबा खूब कमी जाइछि। किछि लोकंकु छाडिदेले आउ केही साइकिल चलाउ नथुबा देखिबाकु मिलिछि। राज्यरे विश्वकप हॉकी पूर्वरु मो साइकिलर शुभारंभ होइथिला। परिवेश सुरक्षा सह प्रदूषण रोकिबा लक्ष्यरे एही योजनार शुभारंभ करिथिले मुख्यमंत्री। राजधानीर 100टि स्टेशनरे हजारे साइकिल उपलब्ध हेउथिला, किन्तु एबे मो साइकिल योजना बाट बणा। भुवनेश्वर विभिन्न स्थानरे खत खाउछि साइकिल। एथिपाई लक्ष लक्ष टंका खर्च होइथिबा बेले रक्षणाबेक्षण अभावरु गदा गदा धूलि जमि रहिछि ता उपरे। विभिन्न स्थान आपण देखिबे विभिन्न छक मानकरे विभिन्न जगार जदि अस्थि कंकाल सार हेला भळिया एई गुडिए जराजीर्ण अवश्य साइकिल पड़ी कहार मध्य जंक होगलाणी कौटि गच्छ उठी गलाणी माने गोटे देखिबाकु ए कार्यक्रम के माँ बाप भी नाहांती। तेणु आज यही गोटे विचार करिबार कथा जे सरकार एते गुड़े अर्थ व्यय करके गोटे योजना कार्यकारी कले जदि गोटे जनसाधारण हित साधन पई गोटे कार्यक्रम हाथ को नेले ताकु ठीक भावरे जेभळी परिचालना करिबार कथा सेते काई ध्यान दोना दि मु किछि बुझी परुनी। प्रति छक आपण देखिबे देखिले दुख भी लागुची। तेणु मु भाबुची एई गोटे भावरे ए योजनाटी जेभळी यदि करिवाकु करिया करंतु न जे बंद कर दियंतु। 100% केवल यदि जाउतो जाउतो काम भा केते बेले की यदि नेला गोटे नेला नहले नाही केइ तो नउ नाहंती आ कोन धुळि सुरै की पडियो ना के कोन हो। सरकारक पाखर बहुत पैसा आसी तेणु से माने करि परिबे। आमे देखुचो सदाळे एम साइकल थुआ हिची तो खर्च खाउची बरता पर धूलि जमी गलाणी ये गलाणी सब जिनस हम देखुछु कोउटा कले डिसिप्लिन वेर सब हबो सेटा भी देखिया सरकार को कर्तव्य। साइकिल रा व्यवहार को बहुल भाबे बढाइबा पई जून 3 तारीख को विश्व साइकिल दिवस भाबे घोषणा करथिला मिलित जाति संघ। कुनी कुनी पिला और युवगोष्ठी को साइकिल चालना पई प्रोत्साहित करबा एही दिवस पालन रा लक्ष्य थिला। पूर्वरो यातायात पई यहार व्यवहार हेउथिला
କିନ୍ତୁ ମୋଟର ସାଇକେଲ ଆସିବା ପରେ ସାଇକେଲର ବ୍ୟବହାର କମିଯାଇଛି। ବିଶ୍ୱ ସାଇକେଲ ଦିବସ ଅବସରରେ ଦିଆସିଲି କାଠିରେ ଏକ ସାଇକେଲ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି ପୁରୀ କୁମ୍ଭାରପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର ଯୁବଶିଳ୍ପୀ ଶାଶ୍ୱତ ରଞ୍ଜନ ସାହୁ। ନିଖୁଣ କଳାକୃତି ଜରିଆରେ ସେ 1800 ଶତାବ୍ଦୀର ଲୋକେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ସାଇକେଲକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ସାଇକେଲର ଲମ୍ବ ପ୍ରାୟ 50 ଇଞ୍ଚ ଏବଂ ଓସାର ପ୍ରାୟ 25 ଇଞ୍ଚ ରହିଛି। ଏଥିରେ ମୋଟ 3653 ଦିଆସିଲି କାଠି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ମୁଁ ଦିଆସିଲି କାଠି ଦ୍ୱାରା ଏକ ସାଇକେଲର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରିଛି। ଏଥିପାଇଁ ମୋତେ 7 ଦିନ ସମୟ ଲାଗିଛି। ଏଥିରେ 3653 ଦିଆସିଲି କାଠି ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି। ଏହାର ଉଚ୍ଚତା 50 ଇଞ୍ଚ ଓ ଚଉଡ଼ା 25 ଇଞ୍ଚ ରହିଛି। ବିଶ୍ୱ ସାଇକେଲ ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ମୁଁ ଏହାକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଛି। ସାଇକେଲ ଚଲାଇବା କମିଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ କରୋନା କାଳରେ ଯାନବାହନଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଥିବାରୁ ପୁଣି ଥରେ ସାଇକେଲର ଆଦର ବଢ଼ିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଦିନର ବଡ଼ ଖବରକୁ ଏଠାରେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।